चलो कटहल कोवा काटेंगे, कटहल की पार्टी, कटहल की पार्टी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और सुबह सुबह तैयार हो गए हैं, अभी सुबह के 10:15 हो रहे हैं और बहुत जल्दी में तैयार हो रहे। मम्मी ने बना दिया उपमा, ये नाश्ता रखा है, फटाफट खाएंगे और तुरंत निकलेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो फटाफट मैं खा लेता हूँ और तुरंत तैयार होकर निकलते हैं। हम लोग हो चुके हैं तैयार, अब चलते हैं ऑफिस। आ जा भैया, मम्मी गेट लगा दो। चलो चल रहा है, चल भैया। जय हो बजरंगबली। चलो चल रहे हैं ऑफिस से बाहर। ऑफिस का काम निपट गया है, अब हम जा रहे हैं एक जगह और मीटिंग में, थोड़ा दूर है। चलो आओ, लोकेशन देखते हैं, बढ़िया नज़ारे और घूमना भी हो जाएगा थोड़ा। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। चलो जहाँ पहुँचना था बस पहुँचने ही वाले हैं, एक मिनट में हम मीटिंग वाले स्थान पर पहुँच जाएंगे। यहाँ ज़्यादा लंबी मीटिंग नहीं है, बहुत छोटी मीटिंग है, पर निपटाना तो पड़ेगा ना। घर से निकलो तो सिर्फ मीटिंग में ही जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम का लोड आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम सब काम निपटा लेंगे। चलो हम स्पॉट पे आ ही गए हैं। चलो भैया स्पॉट पे पहुंच गए, आ जाओ भैया। यहाँ की मीटिंग से भी हो गए हैं कंप्लीट, फ्री हो गए हैं। अरे भैया गाड़ी कहाँ घुस रही, रुको धक्का दे रहा है, खींच रहा है ना। हाँ भैया कहाँ पे, एक छोटी सी मीटिंग और है भाई, उसको भी निपटा लो। तो भाई घर से निकलो तो सिर्फ मीटिंग 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 पूरा दिन लगता है कि नहीं। एक छोटी सी मीटिंग और है, उसको भी निपटा लेते हैं और उसके बाद फिर अपन थोड़ा सा सामान वामान खरीद के घर चलेंगे। चलो अब अगली मीटिंग फिर अपन लंच करेंगे घर चल के। अभी लंच नहीं हुआ हमारा, सुबह का सिर्फ ब्रेकफास्ट हुआ है। तो चलो चलते हैं अगली मीटिंग में। चलो भैया, इसके बाद मीटिंग से फ्री, इसके बाद अपने पर्सनल काम करेंगे। यार भूख लगी बहुत हो भैया, एक दो काम और है यार, वो भी निपटाने हैं। चलो मीटिंग से हो गए हैं भैया फ्री, अब लगी है बहुत जोर से भूख, अब अपन पहले घर चलते हैं। अब घर वालों ने अगर कोई काम नहीं दिया तो नहा धो करके भोजन करेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर शाम को काम करेंगे। अगर घर वालों ने कुछ काम दे दिया, कुछ सामान लाना हुआ, तो फिर घूमना पड़ेगा भाई मार्केट की तरफ। पहले अपन घर चल के स्थिति देखते हैं, घर वाले क्या बोल रहे हैं। हाँ यार, मम्मी का नया आदेश बोलता है, मम्मी क्या है, दाल है, उड़द की दाल है, चना की दाल है, दोनों ले जाके पिसा के ले आओ। नया काम, नया काम, तभी तो मंगोड़ी और भजिया मिलेगी ना, डोसा मिलेगा और डोसा मिलेगा। चलो चलते हैं अपन पिसाने के लिए, पानी पिला दो। अच्छा पानी पिला दो, पानी मिल गया है। घर से पी के गए थे और घर में आके पिए हैं, बाहर कहीं नहीं। हमारी दाल पिस रही है चक्की में, ये हमारी दाल एक पिस गई,
और दूसरी चक्की में चले गई अंदर। हाँ चलो चलते हैं सीधे घर, नहीं तो पूरे क्या है आटा आटा भिड़ जाएंगे पैंट शर्ट हमारे। मम्मी दाल पिस गई, अब खाना खिला दो। 2:15 हो चुके भैया, अभी सब्जी देने चलना भाई। अभी सब्जी का फरमान जारी हो गया कि सब्जी लेके आओ। इनने एक लौकी लिए, देखो फिर लौकी ले ली मम्मी ने। ठीक है ना है? ये देखो ऐसे साबुन से हाथ तो धो, मुंह धो और खाना खाओ पहले। हाँ। अब हम लोग मुंह हाथ धोते हैं और बाहर आंगन में ही खाना खाएंगे। अंदर जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि बहुत जगह से घूम के आए हैं, तो बाहर आंगन बैठ के खाना खाएंगे। चलो मम्मी खाना परसो सीढ़ी कर लो साफ और टेबल में खड़े खड़े खा लेंगे। नहीं खाने में मसाला नमक मिलाते हुए लंच में बना है देसी चने की सब्जी टमाटर वाली बेहतरीन एक नंबर, और ये है कटहल का अचार। ओ भैया और हम लोग कर रहे हैं लंच, से करना पड़ता है इमरजेंसी ड्यूटी में लंच। ये गाइस लंच करके हो गए फुर्सत, हो गए हैं 3:15। अब हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने। चलो भैया थैला उठाओ, उठाओ गाड़ी बाहर हमारी। चलो हाँ मम्मी क्या बोल रही हो? हाँ 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 ये होलसेल सब्जी मंडी है यार, ताजा ये भाई मार्केट कम कम सा लग रहा है। दोपहर का समय है ना तो कम कम लगाए हैं। कलर ठीक है ये हमारा कटहल कट रहा है बढ़िया। हमने अचार डाल दिए बढ़िया खा रहे हैं तो दाल चावल के साथ में। हरी हरी सब्जियां ये देखो हम लोग आलू ले रहे हैं, हरे हरे परवल। यहाँ आने का ये तो फायदा है यहाँ से खरीद। हाँ देखना भाई ने हमारे चैनल के बारे में जैसे ही सुना तुरंत चैनल को सब्सक्राइब किया है और ने वादा किया डेली वीडियो देखेंगे और ताजी ताजी ले जाएंगे। देखो सब्जी मंडी में गौ माता भी आराम कर रही हैं। मीठी नीम हमें दिख गई तो मीठी नीम ले लेते हैं। आम ज़्यादा नहीं ले रहे, 1 किलो ले रहे हैं क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा हो चुका है हमारे पास। ये तो हमने धनिया भी ले ले रहे हैं। यहाँ से सीधे हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया है। अब सीधे घर पर मिलेंगे, मोबाइल रखना है जेब में। ठीक है भैया सामान खरीद ले, देखो दिखा दो बहुत सारा सामान खरीदे हैं तो पूरे थैले भरे हैं। देखो अब घर पहुँच के दिखाते हैं अपन, घर पहुँच के आपको दिखाते हैं। चलो चलते हैं। फाइनली घर पर आ चुके हैं और धूप देख रहे हैं आप बहुत तेज चिपचिपी वाली गर्मी। आ भैया कैसा सब्जी फटाफट धोया जाए। अब पूरी सब्जियां धोएंगे नहाएंगे और घर के अंदर चलेंगे। कोवा वाला कटहल तो दिखाओ। कोवा वाला रुको रुको रुको, कोवा वाला कटहल लाए हैं मम्मी के लिए सरप्राइज। ये है पका हुआ कटहल 6 किलो। मम्मी ये देखो हमारी मम्मी को बहुत पसंद है कटहल, 5-6 दिन से बोल रही थी कटहल कटहल लाओ कटहल लाओ। इसको फोड़ के प्लेटफॉर्म पे सामने तो आओ ये देखो इसको फोड़ के अभी घर में दिखाते हैं और खाते हैं इसका कोवा। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, एक नंबर मजा आती कोवा खाने में। हे गाइस नहा धो के आ गए हैं घर के अंदर। बहुत समय लग जाता है यार, बाहर से आओ सैनिटाइज करो नहाओ धो लंबा काम। चलो कुछ ना कुछ खाते या पीते हैं, भूख सी लग गई है। ये दोपहर का चावल है, मम्मी इसको पोहा भूंज रही हैं, और ये दोपहर की रोटी है इसको बढ़िया क्रंची क्रंची इनने तल दिया है, तो बढ़िया अपना भैया नाश्ता हो गया एक नंबर का। हो गया है चाय टाइम, शाम को चाय बहुत ज़रूरी है। मैं ले रहा हूँ चाय का मज़ा। डिनर में बना है करेले का भरमा, चावल कटहल का अचार और बेबी रिंग। ये है भैया की थाली, मैं मिक्स करके खाता हूँ। मैं अभी दिखाता हूँ आपको अपनी थाली। ये है मेरी थाली,
मैंने पूरा करेले के भरमा को सान लिया, इकट्ठे मिक्स कर लिया है, और यह है बेबी रिंग। और मैं करता हूँ डिनर और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। खाना खा के हो गए हैं फुर्सत, और आज हम मीठे में खाएंगे कटहल का कोवा। जो पका हुआ कटहल लाए थे अपन शाम को, अब इसके कटने की बारी आ गई है, तो चलो इसको काटते हैं। किचन के प्लेटफॉर्म पे इसको काट के इसका कोवा खाएंगे। क्योंकि ये कड़ा है, गजब वाली भाई, ऊपर से आम जैसा महक रंग का मसाला। अरे मजा आ गया मम्मी, चलो कटहल का कोवा काटेंगे। कटहल की पार्टी, कटहल की पार्टी। चलो भैया आराम से, देना छिलटा मोटा होता है उसका। पक गया है ना, ये देखिए, ये इस प्रकार से पूरा निकालते हैं इसमें। ये कटहल का कोवा यही है, कोवा जो है बिल्कुल अलग ही दिख रहा, साफ साफ पीला पका। हाँ, ये देखिए गुठली निकल गई है, ठीक है, इसको ऐसे निकाल देते हैं। लो भैया टेस्ट करो, चखू। हाँ चखो ना, ये है मम्मी, टेस्ट करो। टेस्ट हुआ आम जैसा लग रहा है, बल्कि उससे भी ज्यादा मीठा लग रहा है। मम्मी टेस्ट करो, देखो चिकना गप्प से अंदर चला जाए। गले में आके देखता हूँ, बहुत सही। दूर से लाना ढोना, मेहनत सफलान हो गया भाई, मजा आ गया। चलिए जल्दी इसको दिखाओ, इसको दिखाओ पहले, वो फल लगे रहते हैं। देखिए ये अलग अलग पीस हैं बिल्कुल, ये सब निकल जाएंगे। ये निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। हम पूरे इसको गंजी में निकाल रहे हैं। हाँ, दूध निकलने लगा ना। हमने पूरा कटहल साफ कर लिया, और हाथ में इतना उसका रस या दूध जो बोलते हैं छप गया है कि चट चट कर रहा हर जगह छूने से। साबुन से धो लिया, सैनिटाइज कर लिया, स्प्रेड मार लिया, कुछ असर नहीं हुआ। मेरे ये वाले हाथ में जैसे मैंने कैमरा पकड़ा है, देखो अभी भी छपा है। ये पूरा तेल लगा के रखा हूँ और चट चट कर रहा है ये। मैंने बोला जब तक छट छट करेगा करने दो भैया, अपन तो कटहल का मजा लें। ये निकलती है गुठली, और ये है कोवा। थोड़ा आपको भिड़ना पड़ेगा, इसमें युद्ध लड़ना पड़ेगा, पर मजा बहुत सही मिलेगा। मजा आ गया। हे गाइस, आज का दिन रहा बहुत ज्यादा टाइट, अब हो गई है बहुत रात। व्लॉग की करते हैं एंडिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।